मैं रंगीला और मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर बैठे हैं, ज़हूर हुसैन गिलानी साहब हैं जी। तो मैं, आप यकीन करें, एवरन्यू स्टूडियो हम रोज़ ही आते हैं, तो मेरी ये खुशकिस्मती कि ये मेरे वो बड़े हैं जिनको हमने देख के होश संभाला है और दुनिया ने इनको काम करते देखा है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी। माशाल्लाह आप एक सादात घराने से ताल्लुक है, दुनिया आपसे मोहब्बत अकीदत से मिलती है, किवें तुहानू ख्याल आ गया तुसीं फिल्म में जाओगे? ख्याल नहीं आया, बस समझ लो कि लिखे होया सी इत्थे आना, बेशक इत्थों मैनू रिजत मिलना सी, इत्थों मैनू इज्जत मिलनी सी, इत्थों मैनू शौहरत मिलनी सी, बस आ गया। पहली किहड़ी फिल्म की थी? मैं पहली फिल्म जिस वक्त आया सा असिस्टेंट जी एवरनी पिक्चर दी सी, बागी सरदार। बागी सरदार पायल की चमकार, रावी पार। जी अपनी डायरेक्शन इसकी थी, वो किहड़ी पहली? अपनी मैं एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहली पिक्चर सी पिंडीवाल। पिंडीवाल एज ए जी एज ए डायरेक्टर से पहले मेरी एक पश्तो पिक्चर सी। अच्छा जी। तेगला। अच्छा जी। उस तो बाद मैं अपनी पिंडीवाल बढ़ाई थी, फिर अपने अंदाज में जिहड़ी परफॉर्मेंस दित्ती ते ओह सारे तो हटके सी, ओह फिर बशीरा या बाकी फिल्मां जिहड़ियां सन उहनां तों चेंज हटके आई। हां ओह तो बिल्कुल चेंज पिक्चर सी। उर्दू फिल्म ही बनाई तुसीं? जी उर्दू अपना मुंडा तेरा दीवाना, बल्कि मेरा ख्याल है 18 पिक्चर ने मेरी जी पंजाबी और उर्दू ने। अच्छा, इको फिल्म दो जबान है एक बड़ी? ठीक। अच्छा जी, किड़े किड़े स्टार नु तुसी इंट्रोड्यूस कराया जिहड़ा अज भी माशाल्लाह इंडस्ट्री नज़र आते हैं, शो बिजनेस नज़र आते हैं? किन्ने नाम लो? नहीं कोई है, देखो ना। आरफ लोहार। क्या बात है, जबरदस्त। अताउल्लाह ईसा खेलवी। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब पहली बार तुम लैके आए? जी जी। वाह वाह वाह। उस तो बाद की फिल्म का नाम सी? वो फिल्म का नाम सी बदमाश ठग। वाह वाह वाह, गुड। जिदे गाना सी कमीज तंडी काली, अरे सोने फुला वाली। अल्लाह। उस तो बाद मैं हीरो लिया अताउल्लाह जी, वो फिल्म सी दिल लगे। दिल लगे जिंदगी। वाह वाह वाह। फिर तू यानी कौन सोलो लेके आ गए? जी ठग बदमाश ही ते मेरा राइट साहब ही सर। नहीं नहीं, उधर जिंदगी विच भी राई साहब सन। अच्छा। दिल लगी च भी राई साहब सन, मगर जिंदगी दे च राई साहब उत्ते रोल विच सन। सही। हीरो आरफ लोहार ते अताउल्लाह सी। सही। शाह जी, सारे एक्टर च जिहड़े नाम वाले सन माशाल्लाह, सारे च ज्यादा तुहाडी दीद हया कौन कर रही है? मेरी दीद हया ते सारे ने कीती। बेशक बेशक। उन्हां विच राई साहब नाल मेरा फैमिली रिलेशन सन। अच्छा जी, माशाल्लाह। और फिर ममदली साहब के नाल उन्होंने कितनी फिल्म की थी? ममदली साहब की लास्ट पिक्चर उन्होंने जिंदगी थी मेरी। अच्छा जी। दम मस्त कलंदर। अच्छा। उस तो पहले उन्होंने नाल में पढ़ाई सी एबद खान। अच्छा। सही, जबरदस्त। राय साहब जिहड़े सन उन्होंने जिथे कहंदे ने तुसी आवाज़ देनी बिठा देना, इंज ही आके बह जाते सन। बिल्कुल। जी शाह जी हुक्म करो की करना है? बस राय साहब के नाल अलग सी, नाल जिन्ना वड्डा फनकार सी उन्नी ही इज्जत सानू देंदा सी। असीं वाहे दो डायरेक्टर सी। अच्छा। जिन्हां नूं के राई साहब आके कहंदे सन दसो जी मैं की करना, मैनू करके दिखाओ। क्या बात है। एक मेरे उस्ताद सन इकबाल कश्मीरी साहब। जी जी, अल्लाह बख्शे अल्लाह उन्हां दी मगफरत करे। ते इक मैं। अच्छा। सानू दोहां नूं ओह कहंदे सी कि सीन दा मैं की करना ओह करके दिखाओ। गल दी जी, बंदा जिहड़ा इज्जत रखदा ने शाह जी, मैं समझना ओह साडी कमाई है, इस तो अगे कोई गल नहीं। अच्छा, फीमेल च कौन तुहाडे नाल ज़्यादा इनवॉल्व रहिंदे आ? फीमेल दे विच बढ़िया ही बना सा। अच्छा। मेरा ख्याल है नीलो बेगम। अच्छा जी। परवीन बॉबी उन्होंने इंट्रोड्यूस मैं ही कराया सी। अच्छा। परवीन बॉबी एस एम चीन साहब वाली? एस एम चीन साहब वाली की मतलब? मतलब एस जमशेरी साहब के नाल भी मतलब कि तालुक सी? परवीन बॉबी तो आ गई। परवीन बॉबी एक ही सी। अच्छा। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਬੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਿੰਡੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਨਜਮਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਰਤ ਨਜਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਫਿਊ ਆਰਡਰ ਕਰਫਿਊ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ अकरम राई यार बड़े लेकिन शबाज अकमल शबाज मगर माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त ते ओ तुसी फिल्म तो आखिरी जड़ी फिल्म तुसी केड़ी कीती मेरी आखिरी तो नहीं हाले ना जिंदा हूं आमीन आमीन शाह जी मतलब है कि मतलब हालात के मुताबिक पगड़ी संभाल जट्टा मेरी 2005 दे विच 2004 विच रिलीज हुई सी ओदे च असद बुखारी साहब असद बुखारी साहब अल्लाह बख्शो क्या बात जबरदस्त जिदे वास्ते मैं कुरान ਬਮਾਏ ਤਰਜਮਾ ਬਮਾਏ ਤਫਸੀਰ ਪੜਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੀ ਸ਼ਬਰ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਬਰਸੋਂ ਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਨਾ ਸਕਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾਰੀ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਨਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਜੀ ਹਟਾਈ ਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੌਲਾ ਜੀ ਹਟ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਰਦੂ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਸਾਹਿਬ और मैं देखने आखांगा प्लीज अपनी दुआवां याद रखना यह साडा वो सासा ने जो जो इन्होंने फिल्मों के नाँ लेने ना एक एक कढ़ के वेखोगे तो तुहानू कई कई महीने कई कई साल मज़ा आता रहेगा खुश रहो सलामत रहो शाह जी बड़ा बड़ा शुक्रिया मेरी मुहब्बत सी कि मैं तुहाडे नाल गलबात करके ते सब नूं दसां कि साडे वड्डे इहो जिहे ने अल्लाह तुहानूं अपनी मान के अल्लाह तुहानूं इज्जत देवे आमीन साडी इज्जत अल्लाह ज़ाफा इलाही आमीन थैंक यू जी पाकिस्तान जिंदाबाद